हेलो दोस्तों दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि 3 बजे एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने जो समिति का अध्यक्ष था उससे बात करी थी, जिसमें ये कहा गया था कि भाई आपका जो पूरी कोशिश है कि आज की जो लिस्ट है आपको आज रात तक अपलोड करा दी जाए। तो दोस्तों आपकी जो जिला आवंटन की जो लिस्ट है जनपद आवंटन की वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक हम कमेंट में पिन कर देंगे, वहाँ से आप क्लिक करके ऐड हो सकते हो और जो लिस्ट है उसको डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों चलिए दोस्तों अब आपको मैं दिखा देता हूँ लिस्ट को कि कौन सी लिस्ट आई है जो कि आपको कहीं भी वेबसाइट पर नहीं मिलेगी, ये लीकेज होती हैं। चलिए दोस्तों आपको लिस्ट को दिखा देते हैं। हाँ तो साथियों इसकी जो वीडियो की क्वालिटी है उसको बढ़ा लेना, तब आपको ये लिस्ट है जो पूरी मैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो आपको बताया था कि मैं आज कहीं बाहर जाऊँगा तो इसमें सारी जो डिटेल है हिंदी में लिखी हुई है, आप सारा कुछ स्टार्टिंग से पढ़ सकते हो। देखो ये पेज इसमें 5 पेज का है, ये इसमें फ़िलहाल ये ऐसे आया है। जो कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो भी होगी, उसको भी देखेंगे हम। पहले ये देख लीजिए, उसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए, ठीक है। मेरठ मंडल, मुरादाबाद मंडल, सहारनपुर मंडल, गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, गोंडा और अयोध्या, लखनऊ, आगरा, बरेली, वाराणसी, प्रयागराज, फतेहगढ़, झांसी, बांदा। तो 18 मंडल हैं जो कि जैसा कि आप जानते हो सभी के यहीं पे पोस्टिंग होनी है। और देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है, जेल वार्ड प्रोसा, अच्छा ये पुरुष हैं ये महिला हैं और ये कुल आवंटन संख्या है। और इसमें आपके लिए जो सूचना है वो आपको बताते हैं क्या है कि स्वास्थ्य परीक्षा शैक्षिक जिसका पूर्वाक्षण किया जा चुका है उपयुक्त की कार्रवाई स्तर पर की जाएगी तथा इस संबंध में अधीक्षक को सूचित के संलग्न करते हुए कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संपर्क स्थापित कर चिकित्सा अधिकारियों के पैनल का गठन कराकर समय सारणी के अनुसार मेडिकल कराने की कार्रवाई किए जाना। हाँ तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि जी आपका जो मेडिकल है, जैसा कि आपका हम आपको बता रहे थे कि आपके मेडिकल सेम ऐसा होना कि CMO जो होता है चीफ मेडिकल ऑफिसर, ये एक 3 मतलब डॉक्टर्स हैं उनकी एक टीम बनाएगा जिसमें एक आई का होगा, एक ईयर का होगा, एक हड्डी का होगा, जो कि आपका मेडिकल करेंगे। दोस्तों हमने आपको यही बताया था कि 2015 में इसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार थी उसने परिवर्तन किया और उसके बाद अनुसार आपका जो मेडिकल है वो सेम रहेगा। आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में कोई सी भी पोस्ट हो उसके लिए मेडिकल आपको सेम रहेगा, सेम आपको परफॉर्मा मिलेगा, ठीक दोस्तों। इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं और इसमें ये रिक्वेस्ट की गई है इससे। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हो गाड़ी में हैं हम और इसमें क्या है, हाँ नियुक्ति अधिकारी को चिकित्सा परीक्षण हेतु मुख्य चिकित्सकों को भेजे जाने वाले फोटो का चस्पा कर प्रमाणित करेंगे, हाँ ठीक है। और उक्त समस्त, अच्छा अच्छा हाँ तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, आपको जो ये नंबर है प्रोवाइड करा दिए गए हैं, आपको इन नंबर से बार बार कॉल नहीं करनी, क्योंकि आप लोग इन पर बार बार कॉल करते हो तो फिर आपका जो रेस्पॉन्स है वहाँ से मिल नहीं पाता, फिर आप लोग परेशान होते हो। तो नंबर तो मैं इसमें आपको शो करा रहा हूँ लेकिन आपको कॉल नहीं करनी, ये जो मंडल के अध्यक्ष हैं आपके, यदि आपको जुनैन कोई प्रॉब्लम है तभी आप कॉल करिए, ठीक है दोस्तों। जो मेरठ का मंडल है जो उसका नियुक्ति अधिकारी है वो अमरीश गौड़ है, जो कि हमारे इनसे बात भी होती रहती है, ये इनको मेरठ का बनाया गया है मंडल अध्यक्ष और इनका नंबर यह है और इनका जो सहयोगी का नंबर वो ये है और सहायक का नंबर यह है, 3-3 नंबर इनके दिए गए हैं जिससे कि आपको कोई भी समस्या कैसी भी नहीं आए। तो 18-16 मंडलों के इसमें नंबर दे रखे हैं और जो उनके अधिकारी हैं कौन नामित किए गए हैं उनके दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या प्रोसेस है, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मुख्यालय द्वारा आवंटित जेल संख्या के आधार पर वेबसाइट पर ठीक है चरणबद्ध तरीके से बुलाकर निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण की जा सके, दिवस में भर्ती बोर्ड के तरीके से नाम मिल सके परीक्षा के। दोस्तों आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमने आपको बताया था कि जैसा कि हमारा मेडिकल हुआ था सेम टू सेम आपका होने वाला है और सेम ही डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं, जैसे कि हाई स्कूल का प्रमाण पत्र जो मार्कशीट होगी प्लस उसकी फोटो कॉपी, इंटरमीडिएट की जाति प्रमाण पत्र यदि आप OBC SC से हो तभी आपको जरूरत पड़ेगी, यदि आप जनरल के हो तो आपको जो जाति प्रमाण पत्र उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। निवास प्रमाण पत्र ये भी उसको चाहिए OBC SC ST को, जनरल को किसी भी निवास प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं, जैसा कि आप स्पष्ट देख सकते हो दोस्तों। आधार कार्ड, मतदाता है पहचान पत्र, मतलब उसमें दे रखा एक तो आधार कार्ड है ही प्लस उसके बावजूद या तो आपके पास पहचान पत्र हो या फिर आपके पास पैन कार्ड हो। दोस्तों इसमें ये निकल रखा है नवीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो 10 फोटो लिफाफे में, तो दोस्तों हम आपको बता दें 10 फोटो तो ये बोलते हैं, जैसा कि हमारा जो मेडिकल प्रोसेस हुआ था उसमें कम से कम 15 से 16 फोटो लगे थे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है जो 30 के 35 जो फोटो होते हैं वो अवश्य करवा लें, फोटो की तो बहुत ज़रूरत पड़ती है। लिफाफा दोस्तों फोटो का वो होता है जो पॉलीथिन सी होती है, रबड़ सी होती है, उसमें उसी को लिफाफा कहते हैं, वो उसी में उसको लेंगे, ऐसे आप डायरेक्ट उसको दोगे ना वो 6 फोटो मांगेंगे आपसे, लेकिन वो आपको डायरेक्ट नहीं देगा, आपको जो लिफाफा रहेगा पॉलीथिन का उसी के अंदर पैक करके आपको देना तभी वो रिसीव करेगा। और दोस्तों जो सबसे बड़ी, देखो हमने आपको बताया था अनुलग्नक फर्स्ट और अनुलग्नक सेकंड पूर्ण रूप से भरा हुआ, हमने आपको ये भरना भी सिखा दिया था पूरा डिटेल में तथा
यहाँ गए, हाँ भरा हुआ तथा स्थान सत्यापित किया गया हो, स्थान का मतलब जहाँ से आपने उसे करवाया गया हो। ठीक है, तो अनुलग्नक फर्स्ट और सेकंड ये आपको भरवा के लेना है। एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि आपको दोनों अनुलग्नक फर्स्ट और सेकंड ने जो नोटिफिकेशन संख्या के पेज नंबर 6 से 16 के बीच में जो भी दिए गए हैं सारे का आपको प्रिंट निकलवाना है और उसमें आपको गजेटेड ऑफिसर के साइन करवा लेना है। इसको जितना कम से कम भरोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, जिससे कि आपको कोई करेक्शन करना हो, यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप फॉर्म मंडल में जाकर अपने साथ ही या कहीं जो कॉन्स्टेबल वगैरह से डायरेक्ट पूछ कर भर सकते हो। इसलिए दोस्तों ये हो गया। और दोस्तों सबसे बड़ी जो आपको समस्या आती है वो आती है शपथ पत्र को लेकर, क्योंकि दोस्तों बहुत कैंडिडेट्स ये नहीं जानते कि भाई शपथ पत्र इसका प्रारूप कैसा रहेगा, क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं जो 14 पॉइंट वाला प्रारूप होता है वो पीएससी वालों के लिए होता है, वो आपको नहीं भरना है। आपके लिए जो क्या बोलते हैं उसको शपथ पत्र का प्रारूप है वो वेबसाइट पर दिया गया है, जो कि आपका 4 से 5 पॉइंट का, हम भी उसको कई बार दिखा चुके हैं। तो आपको क्या करना है, 10 रुपये का स्टाम्प ऑनलाइन निकलवाना है, उसके बावजूद आपको जो प्रारूप है हमने प्रोवाइड कराया है उसे दोबारा प्रोवाइड करा देंगे, वो आप पर टाइप करवा देना, उसके बाद नोटरी वगैरह की मोहर लगेंगी। और हाँ दोस्तों, आपको जो शपथ पत्र के ऊपर फोटो को लगाना बिल्कुल ना भूलें। आप जब तक फोटो को नहीं लगाओगे और फोटो पर आधी मोहर होनी चाहिए तब तक वो इस शपथ पत्र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दोस्तों शपथ पत्र का सबसे बड़ा रोल होता है आपके इस मेडिकल के अंदर। ठीक है साथियों, और ये हो रहा है भाई, और देखते हैं और क्या इसमें लगता है। अभ्यर्थियों से उपस्थित होने वाले तो चेक लिस्ट के अनुसार समस्त अपरक्षा गृह जनपद के मुख्य, अच्छा इसमें देखते हैं, नियुक्ति प्राधिकारी चयनित अभ्यर्थियों के उपस्थित होने पर उक्त चेक लिस्ट के अनुसार समस्त अभिलेखों के परीक्षा प्रांत चयनित अभ्यर्थियों के गृह जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मेडिकल हेतु संलग्न ये क्या होना संलग्न प्रारूप की प्रति प्रेषित करते हुए तथा उक्त पर मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट उपलब्ध करेगा। दोस्तों इसमें क्या हुआ कि जो आपका गृह जनपद है उसके सीएमओ के द्वारा थोड़ा मेडिकल है, इसमें जो मेडिकल की जो आपका डाउट है वो आपका बचा रहेगा। इसको हम जल्द से जल्द जो समिति का अध्यक्ष है संजीव त्रिपाठी जी उससे बात करके ये चीज़ क्लियर करेंगे कि आपका जो मेडिकल है ये सीएमओ द्वारा होगा या किस प्रकार से होगा, ये इस बात का भी संशय लगा हुआ है। इस बात में कॉल करके आपको जानकारी अवश्य प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है साथियों, ये हो गया। और इसमें दोस्तों डेट दे रखी है आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभ्यर्थी अपने चयनित जो कारागार के मंडल के जो आपका जो अंकित है जोन सा आपका मंडल है, मतलब आपको जो मंडल मिला है उसमें आपका समय दे रखा है कि भाई जो मेरठ मंडल है इसमें जो तिथि 9 अगस्त 10 अगस्त 11 16 अनुपस्थित अभ्यर्थियों हेतु ये दे रखा है। पूरी टेबल दे रखी है दोस्तों, अभियुक्त दे रखी है, महिला वगैरह जो भी हैं सब इसमें आ सकते हैं। जो पूरी डिटेल आप देख सकते हो इसके अंदर साथियों, ये आपका मंडल का पूरी डिटेल दे रखी है। और दोस्तों इस जो आपको ये मिलेगा पूरा नोटिस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसकी लिंक हम कमेंट में पिन कर देंगे, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट उसमें ऐड हो सकते हो। दोस्तों हम आपको बता दें टेलीग्राम चैनल हमारा सबसे इस भर्ती का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 3000 से भी ज़्यादा लोग उसको ज्वाइन कर चुके हैं और 1 मिनट के अंदर 2000 लोग वीडियो को देख लेते हैं। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक हम कमेंट में पिन कर देंगे। दोस्तों जो भी इस नोटिस का निचोड़ होगा वो अभी देखते हैं कि और भी नोटिस आए हैं नहीं आए हैं, पहले ये नोटिस आया मैंने देखा था तो उसमें लिस्ट वगैरह जो होगी वो हम आपको जल्द से जल्द दूसरी वीडियो लाकर दिखा देंगे, क्योंकि दोस्तों हम फिलहाल बाहर चल रहे हैं, इसलिए हम जो आपको पूरा माइक के साथ कंटेंट के साथ हम आपको मतलब वीडियो नहीं ला सकते हैं। इसलिए आपको अब मेरे को पता है कि ये जो नोटिस है आपको कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिलने वाला, क्योंकि दोस्तों ये डिपार्टमेंटल नोटिस होते हैं जो कि आपको हर कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ये आप देख सकते हो, सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं और टेलीग्राम चैनल पर ये सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं इस पर टेलीग्राम चैनल को पर इसको अवश्य डाल दूंगा दोस्तों। और यदि आपका कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट करिए, और आपका कुछ भी 1% भी डाउट रहता है तो आप कमेंट उसको ज़रूर करोगे। और इस नोटिस में इतना ही है, और अभी और देखने की और नोटिस वगैरह और भी लिस्ट वगैरह आई है नहीं आई है तो हम पूरा उनके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और हम जल्द से जल्द अब हम अपने जो आधे घंटे के अंदर अपने घर पहुँच जाएंगे, उसके बाद आपकी जो बैक टू बैक जितनी भी वीडियो बनती है आपका एक भी डाउट नहीं बचने वाला है। बस आधे घंटे का वेट कर लीजिए, आपसे यही कहा था कि 6 अगस्त है, 6 अगस्त को 100% आपका जो लिस्ट है वो आ जाएगी। और दोस्तों देखो 9:49 हो रही है, 9:35 पर जो ये लिस्ट आई थी और उसके 15 मिनट बाद आपको वीडियो भी मिल गई है। तो दोस्तों इसलिए आप धैर्य बना कर रखा करो, ज़्यादा बार बार डिमोटिवेट होने की आपको ज़रूरत है नहीं। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि हाँ दोस्तों यही इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आधे घंटे के अंदर आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो में हमने बस आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि आपकी जो लिस्ट है वो अब आ चुकी है, अब आपका काम जल्द से जल्द होने वाला है। आपका काम जो था डिले हो रहा था, लेकिन अब उसमें डिले 1% भी होने वाला है नहीं, 6 अगस्त आज हो गई। ठीक है साथियों, चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वरना